राजस्थान में लगभग हर सरकारी भर्ती पर खड़े हो रहे सवालिया निशानों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है। गहलोत ने भर्ती एजेंसियों को और ज्यादा परफेक्शन के साथ काम करने की सलाह दी है ताकि युवाओं को निराशा का सामना ना करना पड़े। सीएम गहलोत ने सोमवार को वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम में आरपीएससी के नए ब्लॉक का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ भर्ती एजेंसियों को ऐसे नवाचार अपनाने की जरूरत है जिससे काम में पारदर्शिता आए। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार जब भर्तियां निकालती है तो युवाओं में खुशी की लहर होती है, लेकिन जब ये भर्तियां कोर्ट में अटकती हैं तो निराशा का भाव पैदा होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये माहौल खत्म होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के सही इस्तेमाल से लोगों में विश्वास पैदा किया जा सकता है। गहलोत ने कहा कि सरकार खूब भर्तियां निकाल रही है, लेकिन नकल रोकने जैसी बड़ी चुनौतियां सामने हैं। सब कुछ सही होने के बावजूद हर परीक्षा पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। इससे अभ्यर्थियों में भी शंकाएं पैदा होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बच्चों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम में आरपीएससी चेयरमैन भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम साल में यूपीएससी से लगभग दोगुनी भर्तियां करते हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 1/4 है। उन्होंने भर्तियां विवाद रहित पूरी करवाए जाने के लिए नियमों को अपडेट करने की जरूरत बताई। आरपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि अभी जो भर्तियां केवल साक्षात्कार के जरिए हो रही हैं, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बदला जाना चाहिए। इसके साथ ही साक्षात्कार को भी 12% तक सीमित किया जाना चाहिए। उन्होंने नकल गिरोह पर रोक के लिए लिखित परीक्षाएं भी 2 चरणों में करवाने का सुझाव दिया। आरपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा अगर अनुशंसाएं समय पर भेजी जाएं तो आयोग द्वारा भर्ती कैलेंडर जारी किया जा सकता है। वहीं आयोग सदस्य शिव सिंह ने कार्यक्रम में आयोग द्वारा अपनाए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। सीएम गहलोत ने कहा कि आरपीएससी की समस्याओं पर सरकार ध्यान देगी। संस्था पर जब वर्कलोड होता है तो उसका असर क्वालिटी पर पड़ता है। सीएम ने कहा कि सही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन सेवा के लिए होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने भर्तियों में इंटरव्यू की आवश्यकता पर भी विचार करने को कहा। डीपीसी के मामलों को लेकर सीएम ने सचिवालय में ही अलग विंग बनाने और पद सृजित करने को कहा है। आरपीएससी का नया ब्लॉक 3,73,00,000 रुपए की लागत से बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।